और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जिनसे आप सभी का तारुफ कराते हैं। हमारे साथ कृष्ण कुमार जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, साथ ही भीमराज जाखड़ जी हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ी है शबनम फाजिल खान जी जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है, साथ ही हाफिज नूर अहमद अजहरी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि प्रदेश अध्यक्ष मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के हैं। आप चारों का बहुत स्वागत करती हूँ सबसे पहले मैं हिंदी खबर में, और शुरुआत कृष्ण कुमार जी मैं आपके साथ ही करना चाहूंगी। कांग्रेस के मैनिफेस्टो का जिक्र किया जाए तो सर आप लोगों को मुस्लिम लीग की छाप दिखाई देती है, जिन्ना की देन दिखाई देती है, लेकिन आप लोगों की तरफ से जब इस तरह के बयान दिए जाते हैं तो ये किसकी देन समझे फिर? देखो, कुल मिलाकर के कांग्रेस ने जब लिखित में अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया, पहले चरण का चुनाव हो गया और उसके बाद अगर हम उस पर कोई प्रतिक्रिया देते हैं तो सवाल हम पर खड़े होते हैं। मुझे बताइए, अगर मोदी जी ने मंगलसूत्र की बात की है तो कांग्रेस ने भी तो अपने घोषणा पत्र में बुरखा और हिजाब की बात की है। वो करे तो पाप नहीं और हम बोले तो अभिशाप, ये दोहरे मापदंड तो नहीं चलेंगे। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र के साथ साथ वायनाड में जब राहुल गांधी फार्म भरने गए तो मुस्लिम लीग के झंडे नहीं होंगे, कांग्रेस के झंडे नहीं होंगे, वो जनता ने देखा नहीं क्या? कांग्रेस किस मनस्थिति के साथ वहां काम कर रही है, किस प्रकार फार्म भर रही है, किस प्रकार वोट बैंक की राजनीति साधने के प्रयास कर रही है, किस प्रकार माइनोरिटीज्म को विषय बना करके अपने आप को मुसलमानों के लिए अल्पसंख्यक आयोग को अधिकार और स्वायत्तता की मांग कर रही है। और तो और कांग्रेस के जो साथी गठबंधन के लोग हैं वो तो कह रहे हैं कि हम भारत का परमाणु बम नष्ट कर देंगे। चीन के साथ राहुल गांधी ने जो चीन के दूतावास में गुप्त समझौता किया था, मुझे तो लगता है उसको लागू किया जा रहा है। और उसी तर्ज पर वामपंथी छात्र नेता कन्हैया कुमार को कांग्रेस टिकट देकर वामपंथियों को खुश करने का खेल खेल रही है। और उस परिस्थिति में अगर ठीक है, लेकिन कृष्ण कुमार जी एक बात बताइए, जो कांग्रेस करेगी क्या आप लोग भी वही करेंगे? जो सर नहीं सर सुनिए, जो कांग्रेस करेगी क्या आप भी उसी, जिस रास्ते में कांग्रेस जाएगी क्या आप भी उसी रास्ते में चल देंगे? लोहे को लोहे से काटा जाता सर, आप लोग सत्ता में काबिज है, कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? आप लोग सत्ता में काबिज है, कम से कम समाज पूरी तरह से आप लोगों पर भरोसा करता है, इसलिए 4 जून को आप लोग 400 पार का नारा यहां पर लगातार दे रहे हैं कि 4 जून को नतीजे आ जाएंगे, लेकिन अगर इस तरह की बयानबाजी होगी तो धर्मों को बांटने की कोशिश तो आप लोगों की तरफ से ही की जा रही है। जब घोषणा पत्र में लिखित में सब कुछ हो चुका है उसको आप पढ़ेंगे नहीं और हम बोलेंगे तो उस बात का उत्तर देंगे तो उसे आप बंटवारे की भाषा कहेंगे? ये तो अतिशयोक्तिपूर्ण सवाल है। लेकिन आप लोगों के पास भी तो कोई यहाँ पे सही सवाल का जवाब भी तो नहीं है ना, आप लोग इस तरह की बयानबाजी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कह दिया जाता है अगर कल को कांग्रेस शासन में आएगी तो भाई यहाँ पर जो जमीनें हैं वो बांट दी जाएगी। क्यों भड़काया जा रहा है? क्या आप धर्म की आड़ में राजनीति होगी? मुद्दे खत्म हो गए हैं, विकास तो इतना कुछ किया आप लोगों ने। अगर कांग्रेस के घोषणा पत्र का विश्लेषण हम कर रहे हैं, नहीं सर, आप लोग सत्ता में है, सत्तारूढ़ पार्टी है, केंद्र में आप बैठे हैं, कई राज्यों में आप लोगों की पार्टी है, जो कांग्रेस करेगी सवाल फिर भी वही, क्या आप लोग भी उसी गर्द में जाएंगे? कम से कम राजनीति संदर्भ में दिया जाएगा, ठीक है? मतलब कांग्रेस अगर कुएं में कूदेगी तो मान के चला जाए बीजेपी भी उसके पीछे पीछे जाएगी और कुएं में कूद जाएगी। ठीक है सर, पूरा समय दिया था भीमराज जी आपका रुख करते हुए, क्योंकि देखिए मैनिफेस्टो में यहाँ पर तमाम तरह की बातें कही जा रही, जिन्ना की देन कहा जा रहा था और अब खुद इस तरह की बयानबाजी दी जा रही है। ऐसे में यही काम अभी हाल फिलहाल में आप लोग भी कर रहे थे कि अगर मोदी सरकार आती है तो तानाशाही यहाँ पर बरकरार रहेगी, अगर मोदी सरकार आती है तो संविधान खत्म हो जाएगा। अब इन्होंने दूसरा तोड़ निकाल लिया और अब लगातार इस तरह के बयान कैसे देख रहे हैं आप? मैं कवि का शायर आपको सुना रहा हूँ कि राम राज में दूध मिला कृष्ण जन्म में घी, और मोदी राज में चाय मिली फूंक फूंक के पी। रितु जी मैं बता देता हूँ, ये चाइना की बात करते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे भाजपा मित्र है कृष्ण भाई जी, मेरे सीनियर है, कि चाइना से इम्पोर्ट 4% था, 22% कैसे बढ़ गया? चाइना ने ब्रह्मपुत्र का पानी रोका है, उन्होंने बांध बनाया, विश्व का सबसे बड़ा बांध बनाया, उस पर एक शब्द बोला तो बताइए। चाइना ने 65 पेट्रोलिंग पॉइंट से 45 पे कब्जा कर लिया, सोनो वांचुंग रोज प्रदर्शन करने, कभी गया कोई बीजेपी का नेता? इस पे नहीं बोलेंगे। वामपंथियों की बात कर रहे हैं, आपकी सरकार है, आपकी आपके पास सारी एजेंसियां थी, सबके छापे मारे थे, एक वामपंथी को गिरफ्तार करके तो बताते ना, एक भी दाग बता दीजिए। मैं राजनीति से एक महिला नेता पे छापा मारा, वो भी द्वेष ठाकुर, एक ही वामपंथी पे छापा मारा, बता दे आप वामपंथी को ले रहे हो? हम साफ सुथरे लोगों को ले रहे हैं, इनके दिन के पेट में दर्द होता है और ये वाशिंग मशीन में धुल के लेते हैं, ये दर्द होता है। चित्रा इन्होंने बताया मुसलमानों का, मैं पूछना चाहता हूँ
मोदी जी जब मस्जिदों के अंदर जाते हैं, उनके पैर छूते हैं, वहां नमाज पढ़ते हैं, और बिना बिना बुलाए पाकिस्तान में बिरयानी खा लिया, तब इनको दर्द नहीं होता? और किन किन भाजपा नेताओं की बेटियां मुसलमानों को दी गई है उसका भी तो जिक्र करना चाहिए, तब इनको दिक्कत नहीं होती, अब इनको दिक्कत होती है। यदि भाजपा नेताओं ने आजादी के टाइम में उंगली कटाई हो तो बता दीजिए, आरएसएस का कोई एक आदमी का नाम बता दीजिए जिसने उंगली भी कटाई हो, क्योंकि भ्रष्टाचार की जननी आरएस था, जिन्होंने अपनी फांसी की माफी के लिए रिश्वत लेना शुरू किया था, ये इस विषय पे नहीं बोलेंगे। और दूसरा बात करना चाहता हूँ, ये कौन से मैनिफेस्टो की बात करें, मुझे समझ से क्योंकि इनका मैनिफेस्टो खुद के समझ में नहीं आया। आप जनता को एक बात तो बताना चाहिए, आपको जनता ने 10 साल मौका दिया, आप जनता को ये तो बताते, मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते कि आपने मुझे प्रधान सेवक का मौका दिया, मैं बीजेपी का प्रधानमंत्री नहीं हूँ, पूरे देश का प्रधानमंत्री हूँ, और मैंने ये काम किए, ये काम नहीं हुए, ये काम आगे उसका कहीं जिक्र नहीं आता, जबकि मोदी की गारंटी कौन सी गारंटी कर रहे हो आपने? अग्निवीर लाके और जो युवाओं की पीठ उसका जिक्र करते हैं, महंगाई का जिक्र करते हैं, आपने कभी ये जिक्र नहीं किया, तीन काले कानून किसके इशारे पे उसका कभी आपने जिक्र नहीं किया, नोटबंदी किसके इशारों पे उसका कभी जिक्र नहीं किया, आप मैनिफेस्टो खुद की तो बताइए जनता को, खुद पे आप जिक्र नहीं कर रहे हो। अमित शाह को और प्रधानमंत्री मोदी जी को कभी मणिपुर जाने का टाइम नहीं मिला, इनकी स्वार्थपूर्ण राजनीति देखिए, क्या अब चुनाव का टाइम होगा ये मणिपुर चले जाते हैं? अरे कौन सा कर रहे हो? जब बिल्किस बानो के रेपिस्टों का आप फूलवाड़े स्वागत कर रहे हो तो आपकी मनसा तो तभी जाहिर हो जाती है कि आप क्यों किस विचारधारा के लोगों और देश के अंदर क्या चाहते हो और क्या थोपना चाहते हो। आप मनुष्य मूर्ति थोपना चाहते हो, वो कभी आपकी सक्सेस नहीं होगी, आपको जनता जान चुकी है, और आपका अब इनकी कुर्सी खिसक रही है मैडम, वोट बैंक खिसक रहा है, लोगों को पता चल गया है क्या, कैसे इन्होंने लोगों के एक रिकवरी ईडी को रिकवरी एजेंसी बनाया और छापे मार मार के धन वसूली की, वो जनता को पता चल गया, कैसे इन्हें पूंजीपतियों को पूरी देश की संपत्ति थोपने की इन्होंने प्लानिंग की वो सब पता लग रहा, कैसे संस्थाएं दो तीन लोगों को दी वो इनको नहीं लग रहा कि आप दो तीन लोगों के गुलाम बन के उनकी दलाली कर रहे, वो जनता को पता है, उसका कभी जिक्र नहीं करेंगे, ये जिक्र नहीं करेंगे कैसे फाइनेंस सेक्टर इन्होंने बर्बाद किया। निर्मला इनकी मनसा तभी जाहिर हो जाती है कि निर्मला सीतारमण जयपुर आती है और मीटिंग करती है किससे? उद्योगपतियों से, चार्टेड अकाउंटेंट से। अरे 80% आबादी खेती और मजदूर वाले, उनसे भी एक बार मीटिंग कर लेते, कोई एक नेता की एक ही मीटिंग बता देती है, हम सारी बातें मानने को तैयार है। आपने ने बयानबाजी मैम आपने खुद देखा होगा, सुना भी होगा इस तरह के बयानों को, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आप इस तरह के बयानों को कैसे देख रहे हैं और समाज पर किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा? जय हिंद। जितने को पैनलिस्ट हैं उनको भी और आपको भी, हो सकता है कि भाषा हमें सुनने में ऐसी लग रही हो कि मुस्लिम का नाम ले दिया, लेकिन जिसका भी आप एजेंडा उठाकर देखेंगी, जो दूसरी विपक्षी पार्टी बोल रही है उनके एजेंडा भी तो देखिए आप, हम जब आएंगे तो हम नकाब उड़ाकर ही बच्चों को स्कूल भेजेंगे। अरे आप भी तो मुसलमानों के साथ छल करते आ रहे हैं, आप भी तो मुसलमानों को वो वाला लॉलीपॉप देने की कोशिश करते हैं जो मुसलमानों को जरूरत नहीं थी, मुसलमानों को देना चाहते हैं तो पढ़ाई दीजिए, एजुकेशन दीजिए। अब की बार 51 आईपीएस आए हैं तो गौरवान्वित महसूस करता है मुसलमान, पढ़ाई की तरफ जाना चाहता है मुसलमान इन चक्रों में फंसना ही नहीं चाहता है। तो मैं बोल रही हूँ कि आपने अपने मैनिफेस्टो में जो मुसलमानों को लॉलीपॉप देने के लिए लिख दिया वो तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर दूसरी कोई पार्टी हिंदू भाइयों के लिए कुछ कहना चाहती है, हिंदू भाइयों को कुछ बताना चाहती है, हिंदू भाइयों को थोड़ा अवेयर करना चाहती है, तो आप कहते हो वो हिंदूवादी हैं, उन्होंने मुसलमानों को गाली बक दी। मुसलमानों को कोई गाली नहीं बक रहा है, मुसलमानों को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हिंदू भाइयों के बिल्कुल समकक्ष खड़ा करना चाहते हैं, बराबरी का दर्जा देना चाहते हैं, जो आपने कभी नहीं लेने दिया, जो आपने मुस्लिम बहनों को तीन तलाक हलाला और इन सब के चक्कर में फंसाए रखा। मुस्लिम बहनों की स्थिति 2014 से पहले क्या थी? एक मुस्लिम बहन बाहर आकर बात नहीं कर सकती थी, एक मुस्लिम बहन अगर डिबेट में बैठ जाती तो इनके जो कांग्रेस ने जिन मुल्लाओं को पाल रखा था वो मुल्ला उसको बोलने तक नहीं देते। आपको पुराना एक गुड़िया का केस याद होगा, तो मुसलमानों का तुष्टीकरण तो कांग्रेस पार्टी करती आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है जो घुसपैठिए हैं आपकी सुविधाएं उन तक ना पहुंचा दे कांग्रेस पार्टी, इसका ध्यान रखिए, उन्होंने घुसपैठिए वर्ड भी यूज किया है। मुस्लिम ये वाला मुस्लिम नहीं जो भारत का मुसलमान है, जो भारत में कांग्रेस पार्टी ने घुसपैठिए मुस्लिम अपने समय में लाए सिर्फ वोट बैंक के लिए, उन पर कटाक्ष है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का,
थोड़ा सा समझने की जरूरत है विपक्षियों को भी। ठीक है हाफिज नूर अहमद अजहरी जी, मैं आपका रुख करते हुए, क्या पूरी तरह से सहमत है फाजिल खान जी की बात से? देखिये आवाज नहीं आ रही मैडम, हिंदू और मुसलमानों में बढ़कर के चुनाव नहीं हो रहा है, देश का चुनाव विकास के मुद्दे पर हो रहा है, देश का चुनाव बेरोजगारी के मुद्दे पर हो रहा है, देश का चुनाव। शबनम जी एक सेकंड, शबनम जी आप उनको अपनी बात रखने दीजिए प्लीज। देश के लोगों ने, देश की जनता ने मणिपुर देखा है, मणिपुर के खिलाफ हो रहा है चुनाव, देश की जनता ने लखीमपुर में किसानों की हत्या को हत्या देखा है। शबनम जी कम बोलिए आप थोड़ा सा, अभी अभी मेरा नाम है नूर अहमद अजहरी, भाई मैं तो आपको याद दिला रही हूँ मेरठ में। शबनम जी लौट रही हूँ मैम, पहले ओपनिंग रिमार्क ले लूँ मैम, अपने सबके आप सभी के परसेप्शन सुने एक बार, उनका रिएक्शन भी सुन लो क्या है इस पूरे मामले पर, सुनने नहीं दीजिए। अभी आप जवाब के अल्फाज थे वो हमने सुने थे, बात रखिए सर। जिस भारतीय जनता पार्टी है उसकी जेली तंजीम ये परेशान है इस वक्त, क्योंकि हालात बहुत ज्यादा खराब है। इनके जो राहुल गांधी ने 150 सीटों के लिए कहा था, 150 सीटें भी नहीं आ रही है, तो ये इनके हाथ से सत्ता जा रही है। ये ना हिंदूवादी है, ना मुसलमानवादी है, या कोई वादी नहीं है, इन्हें इन्हें हमारे में सत्ता चाहिए। इन्हें मालूम है कि हिंदू समाज बहुसंख्यक में है, बड़ी तादाद में है, उसे हिंदू और मुसलमान प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर के नाम से परगना है। ये पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है, जो राम मंदिर का वजूद हुआ है वो माननीय नरेंद्र मोदी या उनके साथियों की बदौलत नहीं, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की आदेश पर वजूद में आया है। तो आज वो मंदिर के नाम से, प्राण प्रतिष्ठा के नाम से जो वोट मांगते हुए कर रहे, क्या है ये? जैसे जैसे कोई अपने भगवान अपने खुदा के नाम से भीख मांगता है, श्री राम के नाम से अयोध्या के नाम से, प्राण प्रतिष्ठा के नाम से, राम मंदिर के नाम से जो उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, क्या ये शर्म की बात नहीं है? पता नहीं आप वजीर आजम जो इतना 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 बड़ा होता और इतनी छोटी छोटी बातें, लेकिन सर बसपा भी तो यही कर रही है, बसपा हालांकि हमारे साथ पैनलिस्ट नहीं जुड़ा, लेकिन बसपा का भी तो यही कहना है कि भाई अगर हम सत्ता में काबिज होते हैं तो हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे, हम मुसलमान भाइयों के साथ खड़े हैं, वो लोग भी तो यही कर रहे हैं, सारी पार्टी यही कर रही है। बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने इसका जवाब दिया है, उनकी बोली में उन्होंने जवाब दिया है, उन्होंने गलत क्या कह दिया है, उन्होंने कहा अगर बाबरी मस्जिद बुजुर्ग में आते हैं मतलब राम मंदिर को लेकर अगर वोट मांगे तब दिक्कत है और बाबरी मस्जिद के नाम पर कोई वोट मांगे तब दिक्कत नहीं है, तब सही है वो? बिल्कुल बिल्कुल दिक्कत है, धर्म के नाम पर धर्म को इस्तेमाल करके उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जब अगर बाकी में देश में कानून हालात है, कानून जिंदा है, तो वजीर आजम ने जिस तरह से प्रतिष्ठा के नाम से वोट मांगे हैं, वजीर आजम पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सेकुलर मुसलमान हो तो जय श्री राम बोलो, सारे हिंदू भाई हमने किसी हिंदू से मुसलमानों का शोषण करो, वो गायब है, मुसलमान बेटियों का शोषण करो, वो गायब है, उसके ऊपर राजनीति खेलते रहो, वो गायब है, सारी जिंदगी बाकी हिंदुओं की राजनीति का दाग करिए, लेकिन आप हमें देश के लिए रहने दीजिए। ठीक है सीधा रुख है कृष्ण कुमार जी, मैं आपका करना चाहूंगी, चूंकि देखिए तूतू मैमे का दौर तो सर यही शुरू हो गया, आप लोगों ने जो बयान दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो बयान दिया गया, यही दो दो फाड़ की स्थिति होने लग गई है डिबेट में, और अगर ऐसे में समझने की कोशिश करें, अगर इस तरह के बयान से समाज में हिंदू मुस्लिम के दंगे यहाँ पर हो जाते हैं तो क्या आप लोग जिम्मेदारी लेंगे उसकी? से पूछा जा रहा है जी सर, देखो जिम्मेदारी तो हम हर बात की लेंगे, लेकिन अगर कोई विपक्ष की पार्टी अपने घोषणा पत्र में और अपनी जनसभाओं में जिस प्रकार का डर का वातावरण बनाएगी, ध्रुवीकरण की कोशिश करेगी और तुष्टीकरण का लॉलीपॉप अपने घोषणा पत्र में पेश करेगी तो जवाब हमें भी देना पड़ेगा। लेकिन कृष्ण कुमार जी एक बात बताइए, अगर आप लोग भी कांग्रेस की ही तरह अपने वोट बैंक को मजबूत करेंगे तो आप में और कांग्रेस में क्या फायदा रह जाएगा सर? शरीयत महत्वपूर्ण है,
वो खुद ही डिफाइन करते हैं, वो भारत में संविधान के अंतर्गत रहना चाहते हैं कि शरीयत के अंतर्गत रहना चाहते हैं। हाफिज जी और शबनम जी लॉटरी में आपके पास, लेकिन कृष्ण कुमार जी एक जवाब दीजिए, एक सवाल का रिएक्शन दीजिए कि अगर आप लोग भी कांग्रेस की राह पर चलेंगे तो आप में और कांग्रेस में क्या अंतर रह जाएगा? क्यों फिर जनता आप लोगों को चूज करेगी, बकायदा कांग्रेस को यहाँ पर मना करेगी? फिर देखो रितु भंडारी जी, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को जनता जिस प्रकार वोट डालती है, 2-3%, 5% से अधिक वोटों का अंतर नहीं होता है। इसका मतलब यह साफ स्पष्ट है कि अगर कांग्रेस ध्रुवीकरण के लिए और कांग्रेस डर भय का वातावरण बना के तुष्टीकरण के लिए राजनीति करेगी तो काउंटर करने वालों को भी लोहे से लोहा काटना पड़ेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी संविधान का पालन करे और बाकी विपक्षी पार्टियां तुष्टीकरण और शरीयत का अनुसरण करे, ये दोहरे मापदंड हम स्वीकार नहीं होंगे। भीमराज जाखड़ जी जवाब दीजिए, तुष्टीकरण की राजनीति कोई नई बात तो है नहीं, आप लोगों ने भी यही किया वही अब बीजेपी कर रही है, तो बुरा क्यों लग रहा है? जी मैं जवाब दे देता हूँ। इनके एक एमएलए हैं जिसका नाम है एमपी है केएस ईश्वरप्पा, वो कहते हैं मुसलमानों मस्जिद खाली करोगे कितनी लाशें बिछाई जाएगी पता नहीं चलेगा, गोली मारो साड़ों को, इसका आपको पता नहीं सर? अगर 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 इस तरह के बयान सुनाने हैं तो सनातन धर्म के खिलाफ किस तरह से यहाँ पर जहर उगला गया उसको भी सुनाइए। मेरी बात सुनो, कोई सनातन के खिलाफ नहीं है, न हम किसी का विरोध करते हैं। आप अपना धर्म मनाइए, अच्छे तरीके से मनाइए। जब ये अपनी बेटियां दे देते हैं बीजेपी के नेता जब, तो मुसलमान अच्छे होते हैं, और जब ये व्यापार करते हैं तब अच्छे होते हैं, गाय काटने वालों से चंदा लेते हैं तब मुसलमान अच्छे होते हैं, पाकिस्तान इकबाल मिर्ची से चंदा लेते हैं तब अच्छे होते हैं, पाकिस्तानी कंपनियों से चंदा लेते हैं तब अच्छे होते हैं, असर मुशरीफ को ये शामिल करते हैं तब अच्छे होते हैं। आज बुरे क्यों हो गए? इस नागरिक एक ही मुसलमान को बाहर निकाल के बता दीजिए, आपने निकाला क्या? कितने को निकाल दोगे? कुछ नहीं है, आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। इन्होंने क्या किया मैडम, इन्होंने ऐसे लोहे से, सुनो ये फाइनेंस माफिया है और ये कांग्रेस ने खड़की है। अरे आपने कोरोना काल के अंदर आप लोगों ने अमीर और गरीब के बीच में दीवारें खींची थी, वो आपको भूल गए आप लोग, उसका आप जिक्र कीजिए जनता के आगे। आप नमस्ते ट्रंप कर रहे थे, यदि आपको हिंदुओं से प्रेम था कोरोना काल में मरे थे वो कौन थे, पुलवामा में मरे थे वो कौन थे, हरियाणा में जाटों को गोलियों से बूंदा वो कौन थे, राजस्थान में दूसरों को गोलियों से बूंदा वो कौन थे? ठीक है सर, शबनम फासिल खान जी आप रुक कर दीजिए प्लीज, इन दोनों का ऑडियो डाउन कर दीजिएगा। शबनम जी क्योंकि देखिए दूदू मैमे का दौर ना सिर्फ यहाँ बल्कि बाहर भी देखने को मिल पाएगा, लेकिन सवाल मैम अंत में यही उठा हुआ है कि अगर इस तरह की बयानबाजी चलेगी तो समाज में एक नकारात्मक मैसेज जाएगा ना, एक जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो पड़ता हुआ नजर आएगा, उसके बाद जो दंगे फसाद की स्थिति है वो आ जाएगी, फिर जिम्मेदारी कौन लेगा फिर इस तरह के मामलों की? नहीं ऋतु जी, इसमें दंगा फसाद की बात मत करिए, मैं बोल रही हूँ कि वैसे तो सभी को अपनी भाषा मर्यादित रखनी चाहिए, हर एक की भाषा मर्यादा में होनी चाहिए, चाहे कोई भी लीडर हो किसी भी पार्टी, गलत आचरण और भीमराज जी मेरे पास ज्यादा समय नहीं है सर, प्लीज एक आखिरी रिएक्शन लेने दीजिए। शबनम जी मैं बोल रही हूँ कि आप सालों साल मुसलमानों की राजनीति करते हैं, आपने सालों साल 50,000 से ज्यादा दंगे हुए उनमें मुसलमान प्रताड़ित हुआ है, इन्होंने कभी आवाज उठाई उनकी? नहीं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी हैं कांग्रेस पार्टी ने हमेशा, और अब लेकर आ गए पुलिंदा की मोदी जी ने ये कह दिया। मोदी जी अगर हिंदू भाइयों के लिए कुछ अच्छा बोलने की कोशिश करते हैं तो आपके पेट में दर्द होता है, हमारे राम मंदिर से आपको दिक्कत होती है, मैं शबनम खानों के बोल रही हूँ, राम मंदिर हमारा है, और आप कहते बाबरी मस्जिद करके सारा जीवन आपने बिता दिया, मुसलमानों का शोषण करवाते रहे, बेटियों का कभी आपने नाम नहीं लिया। लेकिन मैं मंत्र सवाल यही उठता है कि क्या भाई विकास के मुद्दे देश भर में खत्म हो चुके हैं? विकास के मुद्दों पर क्यों अपने वोट बैंक को मजबूत नहीं किया जाता? विकास के मुद्दों पर क्यों यहाँ पर सियासी के साथ नहीं बिछाई जाती, अपने पैर को मजबूत नहीं किया जाता? हिंदू मुसलमान कब तक ये लड़ाई देखने को मिल पाएगी? कम से कम देश के भविष्य को आगे अगर अच्छी और सकारात्मक सोच के साथ ले जाना है, विचारधारा के साथ ले जाना है, तो कम से कम ये धर्मों के आधार पर बांटना नहीं चाहिए, चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, बीजेपी या कांग्रेस। बहरहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। हमारी खास पेशकश में इतना ही, आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।